नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कोटि कैवल्यदानी महाप्रभु जगन्नाथ श्रीचंद्रंत कोटि प्रणाम। अगणित भक्त समाज को मु महान कार्यक्रम तुम्हें जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म को स्वागत करुच। पूर्व अध्याय रे कथोपकथन अच्छे आगंतुक एवं आनंद सबर से कहते पु जे तू गुरुमंत्र नहींचु कर्णमंत्र नहींचु ना ना आज्ञा मुझे जाति में सबर किसी जाणी मंत्र कौन जंत्र कौन ना न मंत्र ने लाभ कौन नने क्षति कौन से प्रश्न से पचारे वैष्णव गोस्वी कौन आगंतुक पथिक कहते जे गुरुमंत्र नने ये पिंड कारण नुह गुरुमंत्र नने तुम शरीर सिद्ध नुह गुरुमंत्र नने तुम्हें कौन सी देव कार्य लग पार ना एमती कथा जो से कहले कह आजा मुँ करी मोर तो सेमती किसी सुविधा ना मु पक्षी मारे पशु मारे मु जीवन निर्वाह कै मु तो पापी भितर महापापी आपण मत ना ना तो पिंडर कारण हम तोते भगवान कृपा हो तू सबुले जगन्नाथ जगन्नाथ हो तू जगन्नाथ को जो भावुचु जगन्नाथ कृपा तो ऊपर नहले तू जगन्नाथ पाखक आसी पार ना जगन्नाथ कृपा नहले तोर मोर साक्षात मध्य नाता तेणु प्रभु कि अपार करुणा अच्छा मुमको किस हुई गुरु कले मु जाणिना भले एबे गो से हीता कहिव शुणी गुरु शिष्य भाव शुणी गुरु शिष्य भाव कहले गुरु शिष्य को पतितर उद्धार करती गुरु पिंडर कारण था गुरु पाद पद्म नौका भवाब्दी तारणे सेपरा एका गुरुंर पाद पद्म मनोनिवेश कले गुरु प्रदत्त मंत्र को जप कले इष्ट संतुष्ट होता एवं गुरु मध्य गुरु तुमे मोर परा जगतर एणु जगन्नाथ नाम गुरुकर शिष्य बचल हुअंती दया बही गुरु कृपाही केवल भिक्षा गुरु पर स्वयं जगन्नाथ तेणु गुरु रूप से जगन्नाथ आसी ज्ञान दिखती तेणु प्रभुंर अपार करुणा तो उपरे तू गुरु मंत्र निए ना आज्ञा को मंत्र गुरु कहते श्री राम कृष्ण मंत्रवाणी जेबे श्रवणे नाही सुनी निश्चय न रके गति तार मूल होइला मने कर जे मु भी तो संगरा कथबार्ता हेबिनि तू मत पा मत आपर्श करी कारण तोर गुरुमंत्र प्राप्ति होनी पिंड कारण है ना आज्ञा मुते ना हाँ तेणु मु तो महापापी ए पशु नल रे मारे शिकार करे आपण पुणी ना शुण ता शुणी बोल ईश्वर शुण गो साई सत्य मोर कहले मु सत्य करुच्ची आप आगे मुझार सत्य करुच्ची जे आंभ कूल चार कथा आंबे ता न छाड़ू सर्वथा कह आज्ञा आम कूल जो बेपार स्वधर्मे निर्धनम से परधर्म भयावय गीता कही कथा ना निज वृत्ति की निजे कर किसी मना ना निज धर्म को निजे रक्षा कर कूल धर्म को रक्षा कर कह आज्ञा मु आपण सब कथा मानवी किंतु मो कूल जो वृत्ति अच्छे ताकू छाड़ी पारि ना गुरु कहते हौ तू शुणु तु मन जो प्रश्न आसूची जेबे तू देखु अतिथ जदि तुर गुरु मंत्र नबु तु यही नियम पालन करू यही यही नियम पालन कलापर तू कूल बेपार कर तू कि कथा ना आम गोटे ओडियार कथा अच्छी मगुर मछर झोल जुवती नारीर कोल पिता हरिया हरिया बोल तेणु ता अर्थ गोटे लोक को सबू खाद्य पेय बास बेश भितर भगवान को दबा आम जो निष्ठा कर तू ना ये अरुआ खाइबू
तु एमती चुट्टी रखिबु हुए तो गोटे लोक से भितरको वर्तमान जुगरे आसी न पारे किंतु नाही तुमे तो बेश पोषाक रह हेले भगवान को ध्यान कर कारण ईश्वर को छाड़िले गति ना तेणु गुरु कहते तु यही कम जदि करूँ ताल तो पिंड कारण हम जेबे तु देखु अतीत आगे करू दंडवत क्षमता थी कि देबु नदे विनय कहबू जे नाम करे गायन शुणबु सदा करी मन जे बाबो जन तही करी भुंजीबु कृष्ण नाम धरी शुण एक अतिथि सेवा करू विनय दंडवत करू घरे जहाँ थी दबु आउ गोटे कथा मु मंत्र देवी किंतु जहाँ तु भोजन करू ते जहाँ फल पुष्प मिलला तो घरे जहाँ मिलला तु आगे भगवान को समर्पण करू तापर भोजन करू जेब भोजन तही करी भुंजीबु कृष्ण नाम धरी एक टिकी सत्य कर सत्य बोले से सबर कहले आज्ञा आपड़ जोबले एक कहते गुरु प्राप्ति गोटे सुजोग मत मिली भगवान अपार करुणा आपण तो कहले जगते गुरु बोली ना एक दुई आऊ ना एक ही गुरु जगन्नाथ आऊ बा के हेब समर्थ तेणु मो कालिया ठाकुर मो पाखे आसिक मत दया कर तेणु आपण कथा मु निश्चित अक्षर अक्षर पालन करी गुरु वाक्य को लंघन करी ना मु सत्य करुच्ची मत आप तत्व दिं गुरु जो कर्ण मंत्र गुरु को प्रणाम एवं फल पुष्प भोजन देती मेलाणी देता पर दिन कथा से आसी घर भितर बसी स्वामी स्त्री दुख सुख पड़ी भगवान को चिंता करणिले चलिए जा शिकार करने से दिन से कहीं एमती मृग शिकार प्राप्ति है ता केवल जगन्नाथ जानती है सी जाने आनंद जाऊँ जंगल भितर प्रथम गोटे मृग को देखी बसईदे सर से मृगटी से पड़ जाते मृग मंसटी को से कांधरे धरी मृगटी को धरी आसती घरे स्त्री को मंस दे भोजन करने भोजन रंधन होती स्त्री रंधन करोजन हो प्रस्तुत हो गले जोबले खाइबा डाकिले जोबले स्त्री कहते आस भोजन कर आस खाइबा आस खाइबापाई जोबले डाकिले से गोड़ हाथ धुआ देकर आसी बसिले बसला भितर स्त्री भात बाढ़ मृग मंस तरकारी गोटे थाली खंडे बाढ़ तेणु सीए कौन कले बसिक सांगे सांगे भात मुठाटा धरी मंस पुलाटा पाटिक भरी करते जो पाटिकी भरी करदे ठीक तंटी पाक को मंस गला से गुरु कथा मन पड़गला देखु गुरु आज्ञा अलंघ्य शबर जी जगन्नाथ कौन माने प्रभु को जानी थे किंतु मंत्र कौन जानी नथले गुरु कौन जानी नथले गुरु मंत्र कौन जानी नथले खाली अहर जगन्नाथ जगन्नाथ होते निजर वृत्ति करुले स्वामी स्त्री उभय जगन्नाथ को भल पाते जगन्नाथ को समर्पित भक्त किंतु जिते बड़े ये मंसटी तंटी पाखे लगिगला से गुरु का आज्ञा मन पड़गला जे तु गुरु को समर्पण नक केमती खाइलु जे गुरु कही भगवान को कृष्ण को समर्पण करू इष्ट को समर्पण करूँ तापर खाइबु से तंटी की सांगे सांगे धरी जाकी धरिक से धरी डाक पकेले स्त्री की कह तु दौड़िका 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 ना कौन ना मुड़े अपराध कली मु गुरु आज्ञा को लंघन कली मु प्रभु को समर्पण नक नैवेद्य नक खाईदेली आगुआ खाईदेली जे ता बाहर ना तंटी ठेक पड़ेला ना कौन करवा ना तू गोटे कम कर आमर सेपटे छुरी अच्छी कटारी अच्छी छुरीटा को आने मुझे तंटी की ये चिपिक से मंस लगी तु बेकू मोर का दिए काटिक मुंडटा सियाड़े अलग कर दे से मंसटा काढ़ दिए गंडीटा को पकई दिए कारण मु गुरु का आज्ञा को देखु ये निष्ठा जो शबर पक्षी मारे चलती जो शबर पशु मारे चलती किंतु जगन्नाथ को भल पाती इष्ट को समर्पित भाव भक्ति करती किंतु गुरुगत को प्राण ही नथले गुरुगत ज्ञान तांको प्राप्त ही नथला जेतले गुरु प्राप्ति ही नथले गुरु जो कथा कर अतिथि मुंडिया मारू तांको सेवा करू शक्ति मुताबक दान करू भोजन देबू साधु वैष्णव को सेवा करू कूट कपट करू ना
ସବୁ କଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ କୁଳର ବୃତ୍ତିଟାକୁ, ଗୁରୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋ କୁଳ ବୃତ୍ତି ତୁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକାର କରି ଭୋଜନ କରିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବୁ, ସମର୍ପଣ କରିକିରି ନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେଲେ, ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକି ଆଣେ ଯା, ନହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି, ମୋ ପିଣ୍ଡ ଅକାରଣ ହେଇଯିବ। ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ କଥା ସବୁ କେମିତି, ନା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ନେ ପାର୍ଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି ନିଷ୍ଠା ନଥିଲା, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁରୀଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଣ୍ଟିରୁ ମାଂସ ଖସିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କି କାମ, ତମେ ଗଲେ ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଚଳିବି। ସିଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁରୀ ଆଣିଲେନି କି କତୁରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖୁର ତାଙ୍କର ହାତ ପାଇବା ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିଲା, ଖୁରଟିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୁରଟିକି ଧରିକି ନିଜ ଗଳାଟାକୁ କାଟିକି ମାଂସଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ କେତେ ନିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଶିକାର କଲେ ଚଳେ ସବର, ତେଣୁ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମର୍ପଣ କରିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ନେଇଯାଇଛି, ତଣ୍ଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭୋଜନ, ସେ ଆଉ ଆଣିପାରୁନି, ଓଟାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଂସ, କ୍ଷୁର ଧରିଛନ୍ତି ଚଲେଇଦେବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ନୀଳକନ୍ଦର ଛାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସବର ଦୁଆରେ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁ ତଳମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ସେଇ ଗୁରୁ ରୂପ ହେଇକିରି ଯାଇକି ହାତଟିକି ଧରିଦେଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଏଇଟା ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଅଜ୍ଞାତରେ କରିଦେଇଛ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଅ, ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଭୋଜନ ନେବ ଏଣିକି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନେବ, ଏଥିରେ ଅପରାଧ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ତାହା ଅପରାଧରେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ, ଏବଂ କେତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ସବରର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଗୁରୁ ରୂପରେ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୁରଟିକୁ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ପରମ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କାଣ୍ଡଗଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଥା ଖସିଯାଉ, ସେଇ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଅଡିଓମ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହିୟରିଂ, ଏଠାରେ ଶିଶୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଓ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 8050604137, 9337868504। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।